सब्सक्राइब करें ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी के लिए और सबसे पहले बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आप पाएंगे सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन। नमस्कार ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी चैनल में मैं किरण आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज मैं आपको सावली त्वचा के लिए कुछ मेकअप टिप्स बताऊंगी। वैसे तो दोस्तों आपको अपनी स्किन टोन का जो कलर होता है उसी कलर के हिसाब से मेकअप करना चाहिए। जो गोरे लोग होते हैं वो कैसा भी मेकअप कर ले उन पर अच्छा ही दिखता है, इसलिए उन्हें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। पर जो सांवली त्वचा के लोग होते हैं उनको मेकअप की थोड़ी बहुत दिक्कतें हो सकती है, और कहीं अगर उन्होंने मेकअप करते समय थोड़ी बहुत गलतियाँ कर दी तो उनका जो मेकअप है और भी ख़राब दिख सकता है। इसलिए ये गलतियाँ आपके साथ ना हो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए इस वीडियो को देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला जो स्टेप होता है मेकअप करने का वो होता है आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना। अगर आप अपनी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करते हैं और उसके बाद अगर आप फाउंडेशन लगाते हैं तो आपकी स्किन पर बहुत ही अच्छा सा एक लुक दिखता है। इसलिए अगर आपकी स्किन सावली है तो आपको फाउंडेशन से पहले मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना चाहिए। पर कहीं अगर आपके फाउंडेशन में ही मॉइस्चराइज़र है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। ये इसीलिए करना है जिससे आपका जो मेकअप है वो इवन टोन दिखे। उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो सावली त्वचा की महिलाएं होती हैं उन्हें हमेशा लिक्विड फाउंडेशन का ही इस्तेमाल करना चाहिए। अगर वो किसी और फाउंडेशन का इस्तेमाल करेंगे जो कि लिक्विड नहीं है तो हो सकता है कि उनका जो फाउंडेशन है वो थोड़ा सा केकी और पैची लगे, और इसी की वजह से सावली त्वचा पर इस तरह का जो फाउंडेशन है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमेशा लिक्विड फाउंडेशन ही सावली त्वचा को लेना चाहिए। उसके बाद जब भी आपका ये जो फाउंडेशन लग जाए चेहरे पर उसके बाद इसे सेट करने के लिए आपको कॉम्पैक्ट यानी लूज पाउडर का यूज़ करना चाहिए। इस तरह का जो पाउडर होता है वो आपकी स्किन को एकदम इवन स्किन टोन देता है और दिखने में भी ये काफ़ी अच्छा दिखता है। इसके बाद दोस्तों कई बार ऐसा बोला जाता है कि ब्लशर का उपयोग सावली त्वचा को नहीं करना चाहिए, पर ये बात एकदम गलत है। अगर आप ब्लशर का उपयोग हल्के मात्रा में अपने गालों पर करोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी स्किन पर एक फ्रेश लुक आएगा, ऐसा लगेगा कि ये आपका एक नेचुरल लुक है। इसलिए फाउंडेशन लगाने के बाद उसे सेट करने के बाद हल्का सा ब्लशर अपने गालों पर पक्का लगाएं। इसके बाद दोस्तों जब भी आप आई मेकअप करें तो बहुत ही हल्का वाला आई शेडोज़ का उपयोग करें। सावली त्वचा जो होती है उस पर जो हल्का आई शेडो है दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है। गोरी त्वचा पर हल्का रंग का जो आई शेडो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, पर सावली त्वचा पर वो बहुत ही दिख के आता है, खुल के आता है। और इसके बाद आपको लगाना है बहुत सारा मस्कारा जिससे आपकी जो आईज है वो और भी उभर के आएंगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सावली त्वचा की महिलाएं होती है उन्हें काजल का उपयोग पक्का करना चाहिए। काजल लगाने से उनकी आंखें और भी अट्रैक्टिव लगती है। ये जो काजल होता है गोरे लोगों पर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, पर जो सांवले लोग होते उन पर ये काजल बहुत ही सुंदर दिखता है। इसके बाद सबसे लास्ट में मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो सांवले लोग होते हैं उन्हें डार्क कलर की जो लिपस्टिक होती है वो लगाना चाहिए। ऐसा करने से उनका जो मेकअप है और भी उभर कर आता है, और जो डार्क कलर होता है सांवले लोगों पर बहुत ही ज़्यादा चमक कर आता है, बहुत ही अच्छा दिखता है। और साथ ही साथ दोस्तों जब भी आप डार्क कलर को लगाएं उससे पहले लिप लाइनर से अपने लिप्स पर एक लाइन खींच लिए और उसी के बाद अपनी होठों पर लिपस्टिक लगाएं। तो दोस्तों ये थे बहुत ही आसान से मेकअप टिप्स, इन्हें आपको फॉलो करने चाहिए। अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपकी जो स्किन है उसका जो मेकअप है वो बहुत ही अच्छा दिख सकता है, और गोरी त्वचा की जैसे सावली त्वचा का भी मेकअप द बेस्ट दिख सकता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। कहीं अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपको मिलूंगी और एक ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।